हेलो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी में से मैट बनाएंगे। ये साड़ी की लेंथ है और ये साड़ी की विड्थ है। विड्थ वाली साइड से आपने कट लगाना है। 1.5 इंच का हम यहाँ पर कट लगाएंगे और एक स्ट्रिप रेडी करेंगे। स्ट्रिप को आपने पूरा नहीं निकालना है। ये देखिए, आप इस तरीके से स्ट्रिप निकालेंगे और दूसरी साइड से आपने 1.5 इंच का ही कट यहाँ पर लगाना है और इसे इस तरीके से खींचना है। फिर ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे और हमारी एक बड़ी स्ट्रिप बन जाएगी। इसमें हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम गोल घुमाएंगे और बॉल बनाकर इसको रेडी करेंगे। ये देखिए, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक फ्रेम। फ्रेम में कील मैंने लगा ली है, आप कैसे लगाएंगे ये देखिए। फ्रेम में कील लगाने के लिए गैप इसमें लेंगे 1/2 इंच का, या 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी 1 इंच से थोड़ा सा कम ले सकते हैं, 1/4 इंच आप इसमें ले सकते हैं। गैप करते हुए आपने कील लगानी है और इसमें 25 कील लगेगी। एक साइड में 25, ऐसे ही दूसरी साइड में भी 25 लगाकर इसे हम सेट करेंगे। यहाँ पर हमने नॉट लगाई है और देखिए उस कॉर्नर पर हमने इसको इस तरीके से, ये देखिए, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर हमने इस तरीके से लेकर आना है। अब उसके साथ वाली कील में लेना है, ये देखिए ऐसे। अब नीचे से स्ट्रिप को निकालते हुए साथ वाली कील में लेंगे। अब ये देखिए, आपने बीच में नहीं, इसको आपने लेफ्ट साइड में करना है और इसे कील में लगाना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कील में लगाएंगे। ऐसे ही अब इस कील में लगाएंगे। अब देखिए, आपने एक स्ट्रिप को इसमें छोड़ना है और एक स्ट्रिप को आपने इसमें लेना है। एक ऊपर जाएगी और एक स्ट्रिप नीचे जाएगी। अब इसे हम कील में लगाएंगे और इसे खींच देंगे। ये देखिए, आपने एक ही साइड से इसे सेट करना है, दूसरी साइड ये डिज़ाइन अपने आप ही इसमें बनता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे, इसको घुमाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, एक स्ट्रिप लेनी है आपने, एक स्ट्रिप को छोड़ना है। जैसे जैसे ये बड़ा बनेगा ऐसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से ये बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, एक स्ट्रिप नीचे एक स्ट्रिप ऊपर लेते हुए आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। ये देखिए, ये रनिंग वाली स्ट्रिप हमारी, इसको आपने खींच कर, ये देखिए, और इस कील में लगाना है। फिर ऐसे ही इसके साथ वाली कील में इसको लेकर आएंगे नीचे। धागे को कट कर लिया ये हमने। अब देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद आपने सेम ऐसे ही रिपीट करना है। जो स्ट्रिप हमारी नीचे की साइड है उसे आपने ऊपर लेकर आना है और जो ऊपर स्ट्रिप है उसे आपने नीचे की तरफ दबाना है। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, एक साइड हमने सेट किया, दूसरी साइड अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, सेंटर से आपने स्ट्रिप को इस तरीके से लेकर आना है। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आपके पास भी कोई न्यू आइडिया है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए, यहाँ पर ये बनने लगा है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, बड़ा बनने के बाद आपको अब क्लियर पता लगेगा। ये देखिए, एक स्ट्रिप को लेंगे हम और एक स्ट्रिप को हम नीचे, ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इस कील में से इसको इस तरीके से सेट करेंगे। अब रनिंग वाली स्ट्रिप को हमने, ये देखिए, ये देखिए, ये सेट होता जा रहा है अपने आप ही। ये देखिए, दूसरी साइड के लिए, और इसे कील में लगाएंगे। अब यहाँ से इसे हम अच्छी तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे और इसे कील में लगाएंगे। फिर रिपीट करेंगे। ये
देखिए, अगर आपको लगता है कि कील में से आपकी स्ट्रिप निकल रही है रनिंग वाली, तो आप इसमें क्लिप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत इजी है इसको बनाना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा। ये देखिए, और देखने में ये फ्रेंड सुंदर लग रहा है। ये देखिए, अब बीच में ये हमने ब्लू कलर लगाया, जैसा साड़ी के अंदर कलर है सेम ऐसा ही इसमें रिपीट हो रहा है। ये देखिए, एक को छोड़ रहे हैं, एक को ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर पता लगेगा। ये देखिए, इसे आपने सेट करते जाना है साथ साथ। ये देखिए, ये देखिए, नीचे वाली स्ट्रिप को आपने ऊपर लेना है। ये देखिए, फिर आपने एक स्ट्रिप को छोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, फिर ऐसे ही यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे कील के अंदर स्ट्रिप को। दूसरी साइड, ये देखिए, सेंटर में से देखिए ये डिज़ाइन अपने आप ही दूसरी, ये देखिए, ये सेट होता जा रहा है। इसको आपने, ये देखिए, ऐसे आपने इसको सेट करते रहना, खुला खुला इसे नहीं बनाना। इसी तरीके से इसे हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसको बिल्कुल साथ साथ करते जाइए, गैप इसमें आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, आप साथ साथ भी कर सकते हैं और इसे बाद में भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड से आपने इसी तरीके से इसे सेट कर लेना है। ये देखिए, अब देखिए लास्ट में आपने क्या करना है। ये देखिए, नीचे से हम स्ट्रिप को निकालेंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पर स्ट्रिप आपसे नहीं निकले तो आप इसमें पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, दोनों साइड से आपको एक जैसा ही ये डिज़ाइन दिखाई देगा। अब स्ट्रिप को हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पर 10 इंच के करीब यहाँ पर आपने इस तरीके से स्ट्रिप बनाकर इसे रेडी करना है। यहाँ पर आप कोई भी पिन ले सकते हैं, निडल ले सकते हैं, क्रोशिया ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने निडल का यूज़ किया है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने, ये देखिए, इसको इस तरीके से निकालेंगे। सभी कील के अंदर से जो भी स्ट्रिप जा रही है उसके अंदर से आपने इसको इस तरीके से निकालना है। और ये देखिए, एक नॉट लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए, नीचे से लिया, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और इसके बीच में से हमने स्ट्रिप को निकालना है। यहाँ पर ये नॉट लग जाएगी फ्रेंड्स, और इसी तरीके से आपने पूरा रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने नॉट लगानी है, जहाँ से हमने ये, पहले हम नॉट को हम खोल लेते हैं। ये वो वाली स्ट्रिप है जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। अब देखिए, आपने ब्लू वाली स्ट्रिप जो हमने लगाई है, ये देखिए, इसको आपने अपनी साइड में खींचना है। अपनी साइड आप खींचेंगे इसको, तो ये देखिए, ये निकलता जा रहा है फ्रेम के अंदर से। इस तरीके से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसे इसी तरीके से निकाल कर हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग वाली स्ट्रिप और लास्ट वाली स्ट्रिप को आपने किसी भी टेसल्स के साथ, साथ वाली, ये देखिए, उसमें आपने इसको नॉट लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लगाकर इसे हम रेडी करेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम निकाल देंगे और अपनी साइड खींचते हुए आप इसे फ्रेम के अंदर से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया है। ये देखिए, इसे अब हमने कट कर दिया। इस तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, देखने में सुंदर लग रहा है, बनाने में बहुत इजी है। दोनों साइड से आपको ये एक जैसा ही ये दिखाई देगा फ्रेंड्स। ये देखिए,
मैट बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।